गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? आप देख रहे हैं स्टडी पोर्टल। हम आपको ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे विजय सर ने बहुत अच्छी बुक भिजवाई है। थैंक यू फॉर हिम एंड फॉर हिम। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सीरियसली। ये बुक है जो विजय सर ने तैयार की है, ये उनकी नोट्स की बुक है जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी हिंदी मीडियम्स के लिए है। ये आपको हर मीडियम के लिए अवेलेबल हो सकती है और आप जहां से चाहें मंगवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, सीरियसली बताऊं तो बिल्कुल ही एक एक टॉपिक क्लियर करके दिया हुआ है सर ने। बहुत अच्छे से हर चीज को डिस्क्राइब किया है उन्होंने, बहुत अच्छे से बताया है कि क्या करना चाहिए, कैसे कैसे एक एक वर्ड का मीनिंग बताया हुआ है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। आप हमें कहीं से भी कॉल करके हमसे प्रिंटिंग नोट्स मंगवा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, और किसी भी सब्जेक्ट की बुक आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8447410108 और आप देख रहे हैं स्टडी पोर्टल। चलिए, ये बात तो हो गई चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक की, आइए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक खास टॉपिक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या हो सकता है? वो है समावेशी शिक्षा। ठीक है भाई, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? क्या लगता है आपको समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होगा? जिसमें समावेशी का एक मतलब होता है कंबाइंड, यानी कि समन्वय करना। यानी आपके दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक सामान्य बच्चे, एक होते हैं विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट बच्चों में एक होते हैं प्रतिभाशाली और दूसरे प्रकार के होते हैं कौन से वाले, जो कि मंद बुद्धि या फिर विशिष्ट होते हैं किसी अक्षमता के तौर पर। क्लियर? जिनमें यानी कोई फॉल्ट होता है। देखिए, यहां पर हम दो तरह की विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। पहली विचारधारा क्या है? जिसमें कि आपके सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे कौन से पढ़ते हैं? दूसरे में पढ़ते हैं आपके विशिष्ट प्रकार के बालक। अब इसके बारे में क्या क्या थ्योरी है समावेशी शिक्षा में? समावेशी शिक्षा का एक बेहतरीन जो एक कंबाइंड फंडा है वो कहता है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य और असामान्य दोनों बालकों को कंबाइंड तौर पर एक साथ इकट्ठा बिठाकर क्या किया जाए, उनको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। यानी इसमें सामान्य या असामान्य बालकों या छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। यानी कि क्या है ये? इसमें सामान्य व असामान्य, असामान्य का मतलब समझ लीजिए आप, यानी कि बाधित बच्चे, जिनके विकास बाधित है, यानी जिनका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, जिनके विकास में, जिनकी डेवलपमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कौन कौन सी है? शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, इनमें से कोई भी हो सकती है। क्लियर? यानी उसके शरीर में कोई विकार हो या फिर उसके मन में कोई विकार हो, दोनों प्रकार के बालकों को हम क्या कहेंगे? बाधित। यानी ऐसी क्लास, ऐसी शिक्षा जिसमें हम स्टूडेंट्स को सामान्य यानी जनरल स्टूडेंट्स के साथ साथ जो बच्चे जिनका विकास रुक गया है, जिनका विकास बाधित है, उन दोनों बच्चों को जो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक तौर पर हो क्या असक्षम, उनके साथ ही जनरलाइजेशन करके सबको एक समान शिक्षा दी जाए, वो है आपकी समावेशी शिक्षा। इस पर अलग अलग विचारकों के अलग अलग मानने हैं। सबसे पहला कुछ लोगों का कहना है कि
स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, एक जगह ही शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, विशिष्ट वाले बालकों को अलग से दी जानी चाहिए और सामान्य बालकों को अलग से दी जानी चाहिए। क्या आपको लगता है ये उचित है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। ये कहता है कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा का बड़ा महत्व है। किसका बड़ा महत्व है? विशिष्ट शिक्षा का। अब आपके मन में आया होगा कि विशिष्ट शिक्षा क्या है। विशिष्ट शिक्षा बाधित बच्चों, बाधित बालकों के अंदर से छिपी हुई की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यानी कि जो उनके अंदर छुपी हुई है, इसे लिख देंगे हम, छुपी हुई एक प्रतिभा या कौशल यानी स्किल्स को बाहर निकालकर उस बालक को समाज में सामान्य जीवन जीने के लिए प्रयोग में लाई जा सके। यानी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत बाधित बालकों के अंदर से छुपी हुई एक प्रतिभा या कौशल को बाहर निकाल करके बालक को समाज में सामान्य जीवन जीने के लिए प्रयोग में लाई जा सके। यानी विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आपको स्पेशल एजुकेशन के अंदर उस बच्चे में से वो छिपी हुई प्रतिभा निकालनी है। क्या पता वो किस काम में हो, परफेक्ट, हमें वो परफेक्ट क्या ढूंढना है, स्किल ढूंढनी है जिसके अंतर्गत क्या कर सकते हो, उस बच्चे के जीवन को जीने के लिए उसे प्रोत्साहित कर सकते हो, उस स्किल का हम डेवलपमेंट कर सकते हो। अब मान लीजिए बच्चा आइज से क्या है, इसका एग्जांपल समझिएगा फटाफट। मान लीजिए बच्चा क्या है, जिसकी आइज काम नहीं करती है, यानी कि वो दृष्टि के तौर पर बाधित है, उसकी दृष्टि उसको सही तरीके से क्या नहीं करती है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाता है। क्या करता है वो, गाना बहुत अच्छा गाता है, सिंगिंग बहुत अच्छी है उसकी। तो क्या करेंगे हम उसकी प्रतिभा को निखरने का मौका देंगे। क्लियर? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत हम उसको ब्रेल लिपि के साथ तो पढ़ाएंगे, हमें उसको सामान्य शिक्षा में देना है बेटे, उसे वहां बिठा के ह्यूमिलाइज, हमें उसका ह्यूमिलिएशन नहीं करना है, उसका एक्सप्लोइटेशन नहीं करना है। क्या करना है, उसको वहां सामान्य बच्चों में बिठा के उसके लिए उस स्पेशल शिक्षा का क्या करना है, उस स्पेशल शिक्षा का प्रावधान करना है कि हाँ भाई ये बंदा देख नहीं सकता है, क्या कर सकता है, बहुत अच्छा गाना गा सकता है। तो हमें क्या करना है, उसकी गाने की प्रतिभा को बढ़ावा देना है, यह है विशिष्ट शिक्षा। क्लियर? तो उसे वो क्या कर सकता है, अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकता है ना। यूटिलाइज करेगा तभी तो वो अपना नॉर्मल जीवन जी पाएगा। ये कहता है कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत 3RS का प्रयोग किया जाए। अभी 3RS क्या है, ये तो आपको समझनी होगी, 3RS तो बार बार आएगा। ये है आपका रीडिंग, राइटिंग और क्या हो सकता है, सोचिए मैथमेटिक्स, ये तो बचा दे ऊपर चला गया थोड़ा, मैथमेटिक्स, तीनों चीजों में से उसकी एक स्किल को हमें निखारना है। क्या क्या, रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि लिखना पढ़ना और गणना करना, इन चीजों का ख्याल हमें किस क्या करना पड़ेगा, इन चीजों में से किसी एक स्किल का उसको ध्यान रखना पड़ेगा, इन तीनों चीजों का हम इसे बार बार यूज करना सिखाना पड़ेगा। आपको लगेगा मैडम ऐसा ही क्यों, बेटे यही तो है प्रैक्टिकली लाइफ के उदाहरण भाई, रीडिंग मींस पढ़ना, आपने उसे कुछ पढ़ने के लिए दिया तभी तो वो क्या होगा, साक्षर तो तभी होगा वो, तभी तो अपने जीवन में उसको यूटिलाइज कर पाएगा जब उसको कोई चीज लिखी हुई समझ में आएगी। राइटिंग यानी कि वो लिख कर दे सके किसी को, कुछ अपनी बात लिख कर समझा सके। गणना करना, पैसे भी गिनेगा जीवन में, वैसे सामान्य चीजों की भी गणना करेगा, थोड़ा जोड़ घटा गुना भाग तो उसको आना चाहिए, तीनों चीजें बेसिक्स हैं।
किस चीज के लिए? लाइफ जीने के लिए। क्लियर? तो हमें क्या करना है, उसे किसी एक विषय में पारंगत नहीं करना है। और क्या करना है बेटे, हम उसे करना है सामान्य जीवन जीने के लिए उसकी स्किल्स को इम्प्रोवाइज करना है, यानी उसकी चीजों में इंप्रूवमेंट करना है। क्लियर? चलिए, यानी 3 RS पर हमें उसको बड़ा फोकस करना है। ये कहता है कि असमर्थ बालकों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, असमर्थ बालकों के लिए अलग से विद्यालय निर्माण की भावना का जन्म 18वीं शताब्दी के मध्य से हुआ। ध्यान से सुनिएगा, असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की, यानी कि या विशेष जोड़ लीजिएगा, स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालयों की निर्माण की भावना का जन्म 18वीं शताब्दी के मध्य से हुआ, परंतु इस शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के आने से ये भ्रम दूर हो गया कि अलग शिक्षा असमर्थ बालकों के लिए उचित निर्णय है, क्योंकि वो क्या शिकार हो गए, वो ह्यूमिलिएशन के शिकार हो गए भाई। उनकी केयर टेकिंग करने के लिए भी क्या हो गया, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। जिन भी टीचर्स को उनकी केयर के लिए रखा गया, उन्होंने उनकी बातों की परवाह नहीं की। और बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने में आए, हमें साइकोलॉजी से पता चला कि सबसे बेटर तरीका क्या है। सबसे बेटर तरीका है कि उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखा जाए, ताकि वे अपने आप को किसी हीन भावना यानी हीन ग्रंथि से क्या ना करें, कंपैरिजन ना करें, अपने आप में अपने आप को कम ना माने, किसी से बिल्कुल भी ना अंडर एस्टिमेट करें। वो सलमान खान वाला डायलॉग है ना, डोंट अंडर एस्टिमेट आई मी एंड माई सेल्फ, वो बड़ा काम की चीज है दुनिया में, सीरियसली बड़ा काम आता है वो साइकोलॉजी में। वो साइकोलॉजी में यहां काम आया कैसे, उन्होंने कहा कि वो अपने आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो अपने आपको बहुत ही ज्यादा हीन भावना से ग्रसित मान रहे हैं, इसीलिए उनको क्या किया जाए, जनरल बच्चों के साथ बिठाया जाए, उनको भी लाइफ को जीने के लिए, हंसी खुशी से रहने के लिए कुछ चीजें स्पेशल में प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन स्पेशल कह के नहीं, वो उनका बेसिक क्या है, अधिकार है, नैतिक अधिकार है। ये आप SST में पढ़ते हैं, NCERT का एक चैप्टर है, 9th क्लास में, आई थिंक 9th या 8th में है, जिसमें आप सिखाया जाता है, जो आपको विशिष्ट लग रहा है विकलांग के लिए, वो उसके लिए विशिष्ट नहीं है, वो आपकी जो पूर्ति है उस चीज के साथ इक्वल किया जा रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ को, जो उसकी अपनी खुद की लाइफ है, उसे क्या कर सके, उसके साथ वो बहुत अच्छे से, बहुत स्टैंडर्डाइज अपने आप को मान सके और अपना जीवन एक अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह कर सके बिना किसी हीन भावना के। तो फिर इसके बाद क्या हुआ भाई, असमर्थ बालकों के लिए अलग से विशेष विद्यालयों का निर्माण किया गया 18वीं शताब्दी के मध्य, लेकिन मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद से क्या हुआ, ये भ्रम दूर हो गया कि उनका अलग स्कूल करना ठीक होगा। इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में 1975 में, ध्यान से सुनिएगा, लिख के इसीलिए कराती हूं आपको ताकि आप भूले ना, ठीक है, लिखा हुआ आदमी कभी नहीं भूलता है। अमेरिका में 1975, यानी कि अमेरिका में 1975 में अमेरिकन कांग्रेस एक बिल पारित किया, किसके लिए, असक्षम बालकों की
शिक्षा के लिए। 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने असक्षम बालकों के शिक्षा के लिए एक क्या किया, बिल पारित किया, यानी कि कानून बनाया, अर्थात कानून का निर्माण किया जिसका उद्देश्य असक्षम बालकों को प्रोत्साहित करना था, यानी कि जो बच्चे डिसेबल हैं उनकी भी पढ़ाई पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए जितना कि हम अपने जनरल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। यथार्थ सरकार का काम है कि वो अपने असक्षम बालकों की शिक्षा का क्या करे, ध्यान रखे। और ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया, अमेरिका ने शुरू किया। ये क्वेश्चन 100% आ सकता है कि वो कंट्री बताइए आप जिसमें सबसे पहले असक्षम बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान अलग से किया गया, उनके लिए कानून का निर्माण किया गया, वो था अमेरिका। 1975 में उन्होंने एक रूल का निर्माण किया था। तो इसके उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा के, उद्देश्यों पर निगाह डालेंगे अब हम एक एक करके। सभी के लिए समान शिक्षा, यथार्थ सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो। पहला उद्देश्य भाई सभी को इक्वली, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए इक्वली तौर पर, ठीक है। विभिन्नताओं की पहचान तथा समस्या पर ध्यान, यानी कि क्या किया जाए, अलग अलग चीजों का इंडिविजुअली डिफरेंस ढूंढ लिया जाए कि इस बच्चे में मान लीजिए राम, श्याम और कविता तीन बच्चे हैं जो डिसेबल लग रहे हैं। आई एम सॉरी अगर किसी का नाम है तो मेरा वो मतलब नहीं है, किसी को हर्ट करने से कोई इंटेंशन नहीं है भाई मेरी, प्लीज कोई भी तीन एग्जाम्पल ले लीजिए, वो क्या है, वो बच्चे हैं डिसेबल। अब हमें क्या लग रहा है उनमें, अब हमें उनमें लग रहा है कि किसी बच्चे में तो मूक बधिरता है, कोई बच्चा तो बोलने की प्रॉब्लम से परेशान है, कोई बच्चा सुनने की प्रॉब्लम से परेशान है। तो हमें उनकी विभिन्नता पहचाननी होगी, क्योंकि इसमें आप एक नियम याद रखेंगे, शारीरिक अक्षमता हमें बहुत जल्दी नजर आ जाती है बजाय की मानसिक विकलांगता के, क्लियर। तो हमें ये चीज सबसे पहले क्लास टीचर को डिवाइड करनी है कि भाई इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम ये आ रही है, तो मुझे आज इसका समाधान इस तरीके से करना होगा। दूसरी बात सुन लीजिए, पॉइंट नंबर 3, विशिष्ट शैक्षिक ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट, विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना। ये किसका काम है, ये भी अध्यापक का काम है भाई। किसकी समझ में कहां से टॉपिक आ रहा है, कहां से वो टॉपिक उसके समझ नहीं आ रहा है, ये काम किसका है, टीचर का देखने का है। चौथा पॉइंट है ये याद रखना, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, यानी ये वाला जो राइट है ना वो सभी स्टूडेंट्स के पास है, चाहे वो विकलांग हो, दृष्टिबाधित हो या कुछ भी हो। आप किसी को ये कह के मना नहीं कर सकते कि भाई आपको जरूरत नहीं है, नहीं उसको जरूरत है क्योंकि उसके पास क्या है, राइट है। सुदृढ़ नीति बनाना, निर्माण व नियोजन, यानी अध्यापक को क्या करना है या स्कूल को, अध्यापक या स्कूल को क्या करना है, एक अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी है और उसको क्या करना है, फॉलो अप करना है, यानी उस रूल एंड रेगुलेशन को बनाने के बाद, पॉलिसीज को बनाने के बाद आपको उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। नंबर 6, प्राथमिक पाठ्यक्रम अत्यधिक लचीला हो, यानी कि जो छोटे बच्चों का सिलेबस है वो थोड़ा सा लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ऐसा ना हो कि आपने रटा दिया उनको और वो रटते ही रह जाएं, नहीं, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए उनके लिए क्या जरूरी है। ये है आपकी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, विभिन्नताओं की पहचान करनी चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए,
विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए। किस बच्चे को टॉपिक कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो इंडिविजुअली आपको उस बात का ख्याल रखना होगा। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, आपको ये याद रखना चाहिए। सुदृढ़ नीति निर्माण करना चाहिए, वे उनको पूरी तरीके से नियोजन करना चाहिए। प्राथमिक पाठ्यक्रम अत्यधिक लचीला हो, यानी जो छोटे बच्चों का सिलेबस है, जो छोटे बच्चों का सिलेबस है वो आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर। सातवां है आत्मविश्वास बढ़ाना उनका। क्या है? आत्मविश्वास बढ़ाना। क्लियर। इसके अलावा क्या करना? आत्मविश्वास के साथ साथ सोचिए सोचिए फटाफट, मैत्री भाव सिखाना। सभी के साथ दोस्तीपूर्ण रहना चाहिए, मैत्री भाव सिखाना, सह भागिता को बढ़ावा देना, सुंदर व भावनापूर्ण वातावरण का। जब सारे बच्चे एक साथ रहेंगे, सभी बच्चे नॉर्मल भी एबनॉर्मल भी, तो क्या होगा? जो सक्षम बच्चे हैं वो असक्षम बच्चों के प्रति अपना एक अलग नजरिया रखेंगे और बहुत ही कोऑपरेटिव माइंड उसके साथ बनाकर चलेंगे। हमें ये बेनिफिट होगा इसका। क्लियर। अब आप ये सीख लीजिए विशेष आवश्यकताओं वाले बालक कौन से हैं। कहते हैं ना हम कि विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं आपके कौन कौन से हैं, जिसमें शारीरिक या मानसिक कोई भी विकलांगता हो। वो क्या कहलाएंगे? वो विशिष्ट या विशेष आवश्यकताओं वाले बालक कहलाएंगे। ठीक है, तो इनकी पढ़ाई भी तो हमें अलग तरीके से करानी पड़ेगी। क्लियर। इसमें से भी सुन लीजिए कौन कौन से हैं ये। एक हो सकते हैं आपके श्रवण संबंधी, सुनाई संबंधी परेशानी, यानी सुनने से संबंधित डिसेबल हो सकता है बच्चा, पहला बौद्धिक पिछड़ापन। दूसरा क्या है? बौद्धिक पिछड़ापन हो सकता है, यानी कि दिमागी तौर पर उसकी कुछ चीजें बुद्धि में कम आती हूं, यानी बुद्धि का प्रयोग। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं ये पढ़ रहे हैं हम, कभी आपको चोर याद हो आपको। तीसरा होगा अल्प दृष्टि, यानी विजन में प्रॉब्लम दिखाई देने में। परेशानी, यानी कि विजन में प्रॉब्लम, यानी दिखाई देने में परेशानी हो, वो बच्चा भी विशिष्ट होगा। फोर्थ अस्थि संबंधी, यानी हड्डी से संबंधित तो कोई विकार नहीं है, अष्टावक्र की तरह कहीं उसकी हड्डियों में कोई स्टेबिलिटी है या नहीं है। बहुश्रेणी, यानी एक साथ कई तरह की असक्षमता, अक्षमता होना। ठीक है, बहुश्रेणी असमानता। क्लियर। सिक्स्थ है आपका सीखने से संबंधित, सीखने से संबंधित, ये भी आपका है। क्लियर। और सीखने से संबंधित में आप याद रखेंगे एक क्षमता में कि डिसलेक्सिया है आपकी एक बीमारी। डिसलेक्सिया, ये कौन सी है आपकी? डिसलेक्सिया ये है आपकी। बताइए किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित परेशानी को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है? पढ़ने लिखने में परेशानी आती है उसको, और वो यानी ए को बी पढ़ लेता है, बी को सी, यानी कुछ भी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा
वो एक अक्षर को सही से नहीं पढ़ पाता है, वह पढ़ने और लिखने में परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। ये क्या है? डिसलेक्सिया है। इसमें माता पिता की क्या भूमिका है इन सभी समस्याओं में? माता पिता को क्या होना चाहिए? माता व पिता की भूमिका, माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक यानी कि माता पिता को अपने बच्चे की परेशानी देखकर ये चीज का डिसीजन लेना होगा कि हमें अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम इसको पॉजिटिव मैनर में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हो गया क्लियर? आइए समस्यात्मक बच्चे या बालक या छात्र, कौन सी है ये समस्यात्मक? ये वो हैं जो क्या करते हैं, मैम देखो इसने मुझे मार दिया, मैम देखो मैंने इसको पीट दिया, मैम देखो, जिनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। वो क्या है? वो है शैतान टाइप बच्चे, शरारती बच्चे। तो इसमें हम कौन से बच्चों के बारे में पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम शरारती छात्र। ठीक है, ये कौन से हैं? ये है झगड़ालू, इसकी एक और फॉर्म है झगड़ालू, अनुशासनहीन। इन बच्चों के लिए स्पेशली, इनको जनरल बच्चों में बिठाते ही परेशानी शुरू हो जाती है। वो क्या करते हैं? वो उसको मार, वो उसको पीट, उसके साथ समस्या कर, उसे बताओ फलाना ढिमकना। ये सारी चीजें क्या है? ये सारे की सारी चीजें हैं समस्यात्मक बालक की। यानी कि ये बच्चे ना तो खुद चैन से रहते हैं, ना दूसरों को रहने देना चाहते हैं, लेकिन ये क्लास की जान भी यही होते हैं और टीचर के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का भी यही कारण होते हैं। और मजे की बात पता है, 90% स्टूडेंट जो अनुशासनहीन होते हैं छोटे क्लासेस में, वही बड़े जा होकर सबसे ज्यादा ब्लास्ट करते हैं अपने कैरियर के मामले में। और इनको सुधारने का जिम्मा किसका होता है? वो टीचर का होता है, क्लास टीचर का। मैंने अब तक के कैरियर में, 9 साल के कैरियर में, टीचिंग कैरियर में ये नहीं देखा। मजे की बात यह है कि मैंने अपनी लाइफ में अब तक जिन बच्चों की फटाफट जॉब लगते हुए देखी है, वो उन बच्चों की ज्यादातर जॉब लगते हुए देखी है जो कि बहुत ही ज्यादा झगड़ालू, अनुशासन ही या फिर शरारती थे। उन बच्चों में कुछ ना कुछ करने की क्रिएटिविटी होती है, बस टीचर का काम क्या है कि उन बच्चे की जो एनर्जी है ना, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको क्या करना है, उस नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा नहीं देना है, क्या करना है, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यही शिक्षक का काम है और दुनिया का सबसे डेंजरस काम है, जिसमें जरा सी गलती होती है बच्चे भाग जाएगा, बच्चा आपके हाथ नहीं आने वाला। तो समस्यात्मक बालक कौन कौन से हैं? जो शरारती हैं, झगड़ालू हैं, अनुशासनहीन हैं। लेकिन शिक्षक का क्या कर्तव्य है कि उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाया जाए। समावेशी शिक्षा में क्या क्या फायदे होंगे? अनुशासनहीन को ये पता चलेगा कि देखो ये अनुशासन में रहता है ना, इसको ज्यादा प्यार मिलता है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए। नहीं, झगड़ालू बच्चे को ये एहसास रहता है कि तू ही झगड़ता रहता है, बच्चे भी तो शांत है, मैत्री भाव उत्पन्न होता है। यही वो झगड़ालू बच्चे हैं जब दूसरी क्लास के साथ झगड़ा होता है ना, तो अपने अच्छे अच्छे बच्चों को यही बचाते हैं, यही पिटाई करते हैं उनकी सबसे ज्यादा। क्लियर? क्योंकि इनमें एनर्जी लेवल तो बहुत हाई है, लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी है वो हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वो सिर्फ झगड़ा कर रहे हैं। जबकि हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है उनसे, वो एकदम डिसिप्लिन में आ जाए। नहीं, डिसिप्लिन नाम की कोई चिड़िया एकदम से नहीं होती है कि आपने चुटकी बजाई और वो तुरंत तैयार हो गया। नो वे। आपको क्या करना है? अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपनी समय सारणी यानी टाइम टेबल आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि बच्चा आपको फॉलो करे। उसके लिए बेहतर है कि टीचर अपने आप में पहले इम्प्रोवाइज करे, खुद को इम्प्रूव करे, तब जाके बच्चे उसकी बात को, टीचर की बात को सुनने के लिए रेडी होंगे। हमने देखा कि समस्यात्मक बालक हो या अनुशासनहीन बालक हो या और बहुत से कारण हो या कोई भी बात हो, तो हम क्या कर सकते हैं? सभी बच्चों को एक साथ मिलकर बैठकर पढ़ा सकते हैं। बौद्धिक पिछड़ापन बालक के लिए क्या करेंगे? उसके लिए अलग से शिक्षा का प्रबंध करेंगे? नहीं, शिक्षा अलग रहेगी, लेकिन क्या होगा, शिक्षा अलग होने के बाद भी हमें उसे सामान्य क्लास में बिठाना ही है, ताकि वो क्या ना कर सके, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके दूसरे बच्चों के लिए। ये है आपकी समावेशी शिक्षा। इसीलिए आपके क्लास में इतने प्रकार के आइटम्स मिलते हैं आपको, ये समावेशी क्लास का ही उदाहरण है। अदरवाइज क्या होता, सेक्शन 9A सेक्शन कैसा है, बहुत डिसिप्लिन है, 9B कैसा है, महानालायक है, हम बांट देते हैं अपने आप, खुद भी कैटराइज कर देते हैं, हमको कैटेगरी खुद ही दे देते हैं उनको, भाई तुम्हारी कैटेगरी है, तुम्हारी कैटेगरी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ शरारती बच्चे सभी क्लासों में मिलने चाहिए, यही समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। ओके, चलिए, आप देख रहे हैं स्टडी पोर्टल।
माय नेम इज हिमानी मलिक और ये विजय सर चलाते हैं हमारी क्लासेस को, और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, चाहें तो अपने लिए बहुत बेहतरीन नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं और हमें इस नंबर पर 8447410108 पर कॉल करके इतनी अच्छी बुक्स आप अपने लिए मंगवा सकते हैं जो कि सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की हुई है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।